हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जी, ये मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि आज हम जा रहे हैं गांव। घर तो नहीं जाएंगे, मतलब जो गांव में हमारा घर है, आज हम मतलब बाग में से ही वापस आएंगे क्योंकि हमें आम लेने के लिए जाना है। आज गांव से फ़ोन आया था हमारे जेठ जी का कि वो आज आम तोड़वा रहे हैं जो खाने वाले हैं, क्योंकि बारिश हो गई है तो बारिश के बाद ही टूटते हैं आम। तो जी, बस पहले तो ये अकेले ही जा रहे थे, फिर कह रहे थे कि तू भी चल, तो बस हम अब गाँव के लिए निकल पड़े हैं। टाइम जो है वो शाम का है, 4:30 बज रहे हैं। और हमारा जो गांव है वो मुजफ्फरनगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब जो है गांव जो है पहले जैसे नहीं रहे, मतलब जैसे पहले फिल्मों में या ये दिखाते थे, अब तो अच्छे हैं, सड़कें वगैरह हैं, पानी बिजली सब की सुविधा है, सब अच्छा है। लेकिन फिर भी जैसे एक शोर शराबा है शहरों में, वो नहीं है, एक शांति है, हरियाली है, एक सुकून सा मिलता है जब हम गांव की तरफ को चलते हैं। तो बस अब हम निकल लिए हैं और अभी थोड़ी देर और लगेगी बस गांव पहुंचने में। और बस आप चलिए, आपको दिखाते हैं अपने खेत। और बस अब हमारा जो गांव है वो आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आने में। अब हम गांव पहुंचने वाले हैं और ये आम तुड़वाएंगे। इसके ताऊ जी जो है, मतलब जो हमारे जेठ जी हैं, वो आ गए हैं, उनका फ़ोन आया था, बस वो तुड़वा रहे हैं और हमें जाकर लाने हैं। और ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये हमारे खेत में ही है, बरगद का पेड़। इसे कहते हैं कि ये ना 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है, इसका तना भी बहुत बड़ा है। और ये जो जटाई सी हैं, ये भी इनसे ही कहते हैं कि पता चलता है कि कितना पुराना है। और ये जो बाइक खड़ी है, ये हमारे जेठ जी की है, वो आ गए हैं। और ये है ट्यूबवेल जिससे खेतों में पानी दिया जाता है, क्योंकि बारिश तो इतनी होती नहीं, तो ये जी उसके लिए है, पानी देने के लिए। और ये जो है ये चारा बो रखा है खेत में, जिसे गाय भैंस रखते हैं हम लोग, तो उनके लिए। और जी हस्बैंड और जो जेठ जी हैं और माली हैं, वे आम तोड़ रहे हैं और मैं यहाँ पर जो है खड़ी हूँ, थोड़ी थोड़ी वीडियो डर डर के शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं है किसी को कि मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी किसी को नहीं बता रखा क्योंकि ना तो मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। और ये मैं खड़ी हूँ और ये देखिए, ये है बरगद का वो पेड़ जिसे मैं कह रही थी 200 साल पुराने। देखिए इसका तना भी कितना मतलब बड़ा है, बहुत पुराना पेड़ है। बच्चे तो इसके जो जटाई से ही ना पकड़ के झूल भी लेते हैं, टूटती नहीं है। और बस जी मैं खड़ी हूँ यहाँ सिरसार ढके, क्योंकि वो दूसरी तरफ है, जो माली हैं जो हैं वे भी काफ़ी बुजुर्ग से हैं, तो हमारे यहाँ तो घूंघट निकालना पड़ता है, मतलब पर्दा है गांव में आओ तो सर ढकना और घूंघट निकालना। बस मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और वो लोग आम तोड़ रहे हैं। ये मैंने किसी को दे रखा है कैमरा कि तू मेरी वीडियो बना ले, एक बच्चा था, अब उससे जैसे भी बन रही है, मैंने कहा था उनकी भी, तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं, वो जो बाबा जी हैं वो गुस्सा करेंगे। और ये एक पेड़ है, इसकी भी तिरछी सी वीडियो बनी है। तो और अब जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं यहाँ पर जो है हमारे गांव में पंचपीर है, मतलब पंचपीर है और वो थोड़ी दूरी पर ही है हमारे खेतों से, और उनकी बड़ी मान्यता है आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से भी, और जो रिलेशन में है, जो रिश्तेदारियाँ हैं, मतलब जैसे हमारी नंदे या हमारे मायके वाले हुए, जो बहू हैं उनके, तो वो सब अगर कुछ भी हो, मतलब किसी की शादी हो, ब्याह हो, या मतलब कुछ भी हो, तो इनकी बड़ी मान्यता है, सब लोग आते हैं। और आषाढ़ में जो बृहस्पतिवार है उस पे इनकी बड़ा मतलब सभी पूजते हैं इन्हें। और ये मैं खड़ी हूँ और वीडियो जो है अब हमारे पतिदेव जो है वो बना रहे हैं। और वो जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो हैं जैसे कि हमारे यहाँ साधु और ये पुजारी होते हैं,
ऐसे ही ये फकीर है। चलिए आप भी दर्शन करिए। ये पांच पीर जो हैं वो तो अंदर की तरफ हैं, मतलब इकट्ठे हैं, पांच दरगाह बनी हुई हैं। ये ऐसे देखिए, एक दो तीन चार पांच, ये पंच पीर हैं और सब आते हैं इन पे, मतलब अषाढ़ में तो ज़्यादा ही, वैसे होली दिवाली पर भी आते हैं अषाढ़ में। तो मैं तो इसलिए आई थी कि चलो आपको भी दर्शन करा दूं। जैसे देवता पूजने के लिए आते हैं तो इन पर भी सब लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, और कोई भी कौम हो जो हमारे गांव में है, जो भी है, सब लोग आते हैं। और आसपास से भी काफ़ी लोग मतलब आते हैं, अब तो बहुत भीड़ रहती है इन पर भी। तो जी आप भी दर्शन करिए। अब मैंने तो यहाँ पर बस पैसे चढ़ा दिए थे, क्योंकि दिया बत्ती जो है वो मैं लेके नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पर दिया भी जलाते हैं, तो मैं तो कुछ लेके नहीं आई थी, मैं तो ऐसे ही आ गई थी। और झाड़ू भी चढ़ती है, कहते हैं कि जैसे ना मॉल्स वगैरह, मॉल जो है ये मस्से जिन्हें कहते हैं, अगर वो हो जाएँ तो क्या है कि इन पर झाड़ू बोल दो, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि हत्ता और नमक बोल दो और चढ़ा दो, तो उनके वो चले जाते हैं। पता नहीं वैसे कितनी ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी ना किया और ना मेरे हैं, तो मैंने तो कभी आजमाया नहीं। और ये जो वही है जो फ़कीर है वो बैठे हैं, और एक बाहर की तरफ है ये जो मैं गई थी, एक ये जो पीर है ये बाहर की तरफ बने हुए हैं। और बस जी अब हम जो हैं दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ अपने जो है शहर, क्योंकि आज गांव में नहीं जाएंगे, वो कभी फिर जाएंगे। जो गांव में गए तो टाइम लग जाएगा, यहाँ पर भी काफ़ी टाइम हो गया, हम 4:30 बजे के करीब तो वहाँ से ही चले थे, 4-4:30 बजे, और यहाँ भी आम तोड़ने में 5:30-6 के करीब हो गए। और ये नल है, मैं पैर धो रही हूँ क्योंकि बड़ी किरकिराहट सी है, मिट्टी लग गई है तो किरकिराहट सी है पैरों में, तो यहाँ पर मैं पैर धो रही हूँ अपने। और बस अब हम वापस चल दिए हैं, आम रख लिए हैं हमने कार में। और ये देखिए मैं घूंघट निकाल के साड़ी वाड़ी पहन के, ऐसे ही रहना पड़ता है, गांव का यही नियम है। और ये रास्ते में ना सालासार बालाजी का मंदिर है, गांव से मतलब जब शहर की तरफ जाते हैं, जब बीच में पड़ता है, तो फिर मतलब कि चलो आपको भी दर्शन करा दें। और ये देखिए सालासार बालाजी भगवान, तो हम अभी यहाँ पर रुके हैं दर्शन करने के लिए। आप भी दर्शन करिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और कमेंट करना।